मुजफ्फरपुर में विवाहिता की गोली मारकर हत्या, सास ससुर पर लगाया गया हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर में एक विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला जिला के बंदरा प्रखंड अंतर्गत पियर थाना क्षेत्र की है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतका के परिजनों ने सास ससुर पर हत्या का आरोप लगाया है, वहीं विवाहिता के ससुर ने भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार पियर थाना क्षेत्र के रामपुर हरित पंचायत के वार्ड संख्या 10 निवासी राजेश शाह की शादी अहियापुर थाना क्षेत्र के लकड़ीढाई निवासी 25 वर्षीय नीतू कुमारी से 6 साल पहले हुई थी। नीतू के ससुर सतेंद्र शाह ने बताया कि शनिवार को नीतू का भाई सोनू घर आया हुआ था। रात में खाना खाकर सभी सोने चले गए। सास ससुर घर के सामने वाले दूसरे घर में सोने चले गए। कुछ देर बाद सास ससुर घर में आए तो देखा कि नीतू जमीन पर गिरी हुई है, उसके शरीर से खून निकल रहा है। आशंका है कि सोनू ने ही नीतू की हत्या की है। वहीं नीतू की बहन उमा देवी ने बताया कि नीतू का पति राजेश दिल्ली में रहता है, वहाँ वो मजदूरी का काम करता है। उसने दिल्ली में दूसरी शादी की है। नीतू के ससुराल वालों के द्वारा अक्सर उसके साथ मारपीट की जाती थी। उसने बताया कि शनिवार को उसके भाई को नीतू के ससुराल वालों ने बुलाया था, इसलिए सोनू नीतू के ससुराल गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस दल बल के साथ पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। पूरा मामला उलझा हुआ और पेचीदा है। आखिर नीतू की हत्या किसने की, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। नीतू के ससुराल वाले उसके भाई पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं उसके मायके वाले ससुर और सास पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। सिलाई फराई करके बिट्टी पालन करके रहेंगे, पति नहीं रखता है तो उसको सास ससुर भैंसू सब घर से भगाता कि भागो यहाँ से, तुमको पति यहाँ रहबे ना करता, तुमको रहने देंगे। तब फोन करके हमको नहरा वाला सके टोचर देता था भाई भौजाई माए बाप सबको कि बुला के ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हम लोग सब बोलते थे कि शादी किए हैं लाने के लिए, हैं। तब बुलवा लिया हमको भाई, क्या भाई दिया बुलाने। तब रात के फोन किया है कि इसे भाई बहन के मार दिया। ऐसा होगा कि भाई मार देगा बहन के? इतना दिन से पोस पाल के भाई कहाँ है? भाई भाई ये नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं। तब आप ऊपर से उल्टे हुए हम सब थे, हमारे माए देखते है रोगी आई है, बाबू हमारे फेरी फकेरी करते हैं। फोन किया हमको लोग के सके भाई भाव जाए के किसे तोहर देर ना ननद के मार के चल गए। ऐसा होता है कि भाई मार देते बहन के? आए जब बच्चे में ना मार देते से शादी ब्याह का के तिलक दहेज दे के मार देते। तो क्या लगता है आपको? सास ससुर उसको मार दिया, गोली मारा है कि क्या किया है? तो गोलिये ना लगल, हम से तो देखबो ना किए हैं, कहे की गोली लगा। क्या सूचना मिला था कि से अति भाई गोली मार के चल गया? बोलते हैं से नहीं सुनते हैं कि भाई गोली मार के चल गया से बोला। उसका परिजन का आरोप, उसका आरोप है लड़का पक्ष का। सास ससुर लड़की के बोलता है, वर्ष पहले शादी हुआ था, 5 साल हो गया शादी के, बालो बच्चा है? नहीं, पति पति साथ में रहबे ना करता है तो बालो बच्चा कैसे होगा? कहाँ रहता है? बाहर रहता है। हाँ, दिल्ली। घटना हुई है तो उस समय पति घर पर ही था कि दिल्ली था? दिल्ली है, वो रहबे ना करता है। और खाली सास ससुर पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं? हाँ, सास ससुर। आपका क्या नाम हुआ? उमा देवी। आप कौन है? मृतका के बहन है। बहन है, इतना ही हम कहेंगे कि हम लोग का भाई क्या है, वहाँ से फोन आया, हमको भाई के पता नहीं लग रहा। उसका पति फोन किया कि देखिए से यहाँ भाई मार के चल गया, से कभी करा है गोली मारा, कभी कहा कि से बंद चक्कू मार से मार दिया, आ गया बुलाने के लिए, बोला कि बुलाने आइए। अब क्या हुआ न हुआ ओकर सास ससुर मारा आती फोन लगा रहे हैं तो देवर पर फोन भी नहीं लग रहा है, अब पता भी न चल रहा है। उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया हुआ, अब उसको भी मार दिया कि क्या कर दिया वो नहीं पते नहीं लग रहा है। क्या लगता है? सास ससुर मार दिया होगा। यहाँ गोली गोली से मारने की बात आ रही है कि गोली मार दिया गया है? गोली भी या बाती बंदूक भी कह रहा है, हम लोग तो अभी देखे भी नहीं आए हैं। तो क्या नाम हुआ? माला देवी। आप कौन है मृतक के? मरियम मृतिका भाभी। रात को 5:30 बजे गया है लड़की के भाई, खाना पीना खाया 8:30 बजे। कहानी है, हमारा दो घर है तो पूना घर में खाना पीना बनता है। हाँ, हम लोग सोचे इनका घर में आज चाले बर्तन बासन लड़की माज रही थी, चाले में इसको हमारा वाइफ को बोला कि आप जाइए, हम बात विचार भाई बहन में आते हैं।
हाँ, थाने में ही 10 मिनट के अंदर में हमारा वाइफ गया, फिर देखा कि मर्डर है, आई नपाता है। कौन मारा गोली? है इसका भाई। क्या नाम है भाई? अजी, इसका भाई का नाम है कोई नाम है सोनू। तो कि भाई कहाँ मारेगा? हाँ भाई कहाँ मारेगा? भाई मारा है। ये लोग कह रहा कि आप ही लोग हत्या? ना ना, भाई मारा, भाई सोनू को बनाइए ना, सोनू को बुलाइए। आपके सामने मारा गोली? ना, हम लोग पुरना घर पर रहते, नयका घर पर। सुने थे आप लोग? है ना, पड़ोसी का आदमी सुना था। सुना था? हाँ, हमारा घर थोड़ा हिया से, नयका घर वहाँ तक पड़ता है। सोनू को भागते देखे? ना, कुछ नहीं। खोखा मिला? दूसरा के आदमी, हाँ खोखा मिला है। कै गो खोखा मिला? ये अभी सर जी लिए है। कै गो गोली मारी? एगो सुनते है। कहाँ मारे हुए हैं? पेट में। पेट में? हाँ। आप कौन हुए उसके? अभी हमारा पूछो हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा सतेंद्र शाह। कौन गाँव? रामपुर जाटी टोला। ठीक। कल दिनांक 7/10/2023 को पियर थाना अंतर्गत रामपुर दयाल वार्ड नंबर 10 डीह टोले में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में पियर थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे और वहां पे पूछताछ किया तो पता चला कि मृतका, जिसका नाम नीतू कुमारी है, उम्र 25 वर्ष, जिसके पति का नाम राजेश शाह है, जो लगभग काफ़ी समय से गुड़गांव हरियाणा में रह रहे हैं, और यह मृत राजेश शाह की दूसरी पत्नी है, शादी लगभग 5 साल पहले हुई है। मृतका का मायके के माँ पिता जो है सिकंदरपुर ओपी स्थित लकड़ी ढाई में नगर क्षेत्र में रहते हैं, उनको भी सूचना दे दी गई है। उनके सूचना के आधार पर वो थाने पे पहुँचे हुए हैं और एक लिखित आवेदन जो है दे रहे हैं। इस संबंध में और भी छानबीन की गई है, अन्य साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। इस घटना को कारित करने में कौन लोग शामिल हैं, इसकी गहन छानबीन चल रही है और जो भी इसमें शामिल होंगे उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।